जनरेटर एक्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम जनरेटर एक्स के सीजन 2 एपिसोड 11 को डिस्कस करने वाले हैं, जिस एपिसोड का नाम है विदाउट ए पैडल। ये एपिसोड फनी होने के साथ साथ थोड़ा इमोशनल है, सो आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में नोआ रेक्स से कहता है, ये मजाक नहीं है रेक्स, मैं जिंदगी और मौत की बात कर रहा हूँ। रेक्स कहता है, तुम टेबल टेनिस की बात कर रहे हो नोआ। नोआ कहता है, कोई मामूली टेबल टेनिस नहीं रेक्स, चैंपियनशिप टेबल टेनिस। हम गोल्डन बैटल जीत सकते हैं, लेकिन मेरे पिछले 3 पार्टनर इस साइड हाइट के प्लेयर्स के खिलाफ मैच में जख्मी हो गए थे। रेक्स कहता है, ठीक है, अब मेरा मूड बन रहा है। नोआ कहता है, क्या बात है, 2 काम करने होंगे रेक्स। पहला, अगर तुमने खेलने का फैसला कर लिया है तो तुम्हें स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, और दूसरा, जीतने के लिए हमें जिन्हें हराना होगा वो ये है। रेक्स को पता चलता है कि उनका मैच इवोस के खिलाफ है। रेक्स ये देखकर कहता है, अब तो मैं जरूर खेलूंगा। नोआ रेक्स को कहता है, अब सुनो, तुम्हें क्या बताना है, तुम एक ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट हो, मैंने तुम्हें सभी आसान क्लासेस में एनरोल करवाया है सिवाय मैथ्स के। तुम्हें बस खेलने के लिए पासिंग एवरेज बनाई रखनी है, इसीलिए बस अपने सारे क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। अब तुम प्रैक्टिस के लिए तैयार हो तो इसे पहनो। जब वो दोनों वो टी शर्ट पहनकर अंदर जाते हैं तो वो उनका स्वागत एक सेलिब्रिटी जैसा होता है। नोआ कहता है, हाँ, यह जो लोग है वो इस गेम के कुछ ज्यादा ही दीवाने है। रेक्स कहता है, इतनी इज्जत मुझे तब भी नहीं मिलती जब मैं दुनिया को बचाता हूँ। नोआ फैंस को ऑटोग्राफ देता है। नोआ के स्कूल का प्रिंसिपल रेक्स से कहते हैं, बहुत खुशी की बात है कि तुम भी खेल रहे हो बेटा, तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। मैंने तुम्हारे पिछले स्कूल के प्रिंसिपल हाहा को कॉल करने की कोशिश की थी, पर नोआ प्रिंसिपल को कहता है, ये खेलने में बहुत अच्छा है सर। प्रिंसिपल रेक्स के पास आकर कहते हैं, कलाइया तो ढीली ढली लगती है, इस गेम में जीतने के लिए दमदार कलाइया होनी चाहिए। तभी रेक्स अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अब ये देखकर प्रिंसिपल के मुंह खुली की खुली रह जाती है, और वो रेक्स को बिना कोई सवाल के गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कह देते हैं। नोआ रेक्स को समझाता है कि ये बिल्कुल रेगुलर टेनिस की तरह है। प्रैक्टिस के बाद कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स उन्हें अलग ही तरह का रिस्पेक्ट देते है, लड़कियाँ तो उनकी दीवानी हो जाती है। कैंपस में एक लड़का उन्हें कहता है, हमारे चैंपियंस के लिए जान भी हाजिर है। पर अचानक वो नोआ के पैर को पकड़ कर कहता है, लेकिन अगर तुम चैंपियनशिप नहीं जीते तो गए काम से। कॉलेज के अंदर घूमते वक्त नोआ का मैथ टीचर आकर कहते हैं, मिस्टर निक्सन, तो ये है टेबल टेनिस का नया सितारा। वैसे भले ही ट्रिगोनोमेट्री तुम्हें उस तरह के लोगों का चहिता नहीं बना सकती जिसे तुम्हारा वो स्पोर्ट्स बनाता है, लेकिन याद रखना, बिना ट्रिगोनोमेट्री के कोई टेबल टेनिस नहीं होता। रेक्स उन्हें कहता है, ओके, जरूर। आगे चलकर वो नोआ को कहता है, ये दुनिया का सबसे खतरनाक टीचर है क्या। इसके बाद वो दोनों फिर से टेबल टेनिस की प्रैक्टिस करने लगते हैं। नोआ कहता है, दूसरे स्कूलों में बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं, लगभग मेरे जितने अच्छे। नॉर्मल बच्चों पर इफो पावर्स इस्तेमाल करना सही बात नहीं होगी। रेक्स एक्साइटेड होकर कहता है, लेकिन जब हमारा मुकाबला उन जुड़वों से होगा तो गेम ओवर। रेक्स के मूव्स को एक लड़का रिकॉर्ड कर रहा था, वो रेक्स के पावर्स को देखकर डर जाता है। रेक्स उसका पीछा करने लगता है। रेक्स कहता है, तुम किसके लिए काम कर रहे हो। वो लड़का रिप्लाई में कहता है, इस साइड हाई के लिए, प्लीज मुझे मारना मत। रेक्स कहता है, तुम एक जासूस हो, वो भी टेबल टेनिस के लिए। रेक्स उसका कैमरा पकड़ लेता है। वो लड़का कहता है, प्लीज इसे तोड़ना मत, ये मेरे डैड का कैमरा है। रेक्स कहता है, चले जाओ यहाँ से, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। इस साइड हाई का कोच रेक्स के पावर्स को देखता है और कहता है, लगता है इस बार तुम्हारा तगड़ा कंडीशन है बॉयज। ये सुनकर वो दोनों ही बहुत गुस्सा हो जाते हैं। नोआ कहता है, तुम्हें अकेला छोड़कर जाने में मुझे अफसोस है, लेकिन मैं मैथ का बंदा नहीं हूँ, मैथ और मेरा 36 का आंकड़ा है। रेक्स कहता है, तुम चिंता मत करो, प्रोविडेंस के उन बोरिंग लेक्चरों में जागते रहने का दिखावा करने में मैं उस्ताद हो गया हूँ। नोआ कहता है, बस उम्मीद करो कि बुकिनर फिर से ना ले आए पॉप क्विज। पर मैथ टीचर बुकिनर पॉप क्विज स्टार्ट कर देते हैं। इस टेस्ट में सभी स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। रेक्स का स्कोर पूछने पर बुकिनर कहते हैं कि इसने पूरे 98% से टॉप किया है। नोआ खुशी से पूछता है, पर तुमने किसे। नेनाइट्स ने मदद की। रेक्स कहता है, बात सिर्फ ट्रैजेक्टोरीज और हॉरिजॉन्टल लाइंस की ही तो है जिसे मैं अपना निशाना लगाता हूँ। नोआ कहता है, मायने बस ये रखता है कि तुम पास हो गए हो, अब तुम टीम में हो। स्टेट चैंपियनशिप टेबल टेनिस टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। नोआ रेक्स से कहता है, ये एक एलिमिनेशन टूर्नामेंट है, एक बार में 2 टेबल्स, जीतने वाला फाइनल मुकाबले के लिए रैंक्स में ऊपर बढ़ता जाएगा। रेक्स कहता है, तुम्हारे बातों से लगता है कि ये कोई जंग हो। नोआ कहता है, बहुत खूब, धीरे धीरे समझ रहे हो। तभी गैब्रियल और माइकल नाम के पोतो इवोस आकर नोआ को कहते हैं, हे, नया पार्टनर मिल गया क्या। उनका कोच आकर रेक्स को कहता है, बुरा मत मानना बॉयस, उनमें थोड़ा ज्यादा ही जोश है। उस दौरान वो रेक्स के हाथ में एक डिवाइस लगा देता है।
थोड़ी देर बाद रेक्स प्रैक्टिस करता है तो भी कोच रिमोट से उसके नेनाइट्स को कंट्रोल करने लगता है। रेक्स कहता है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई मेरे नेनाइट्स को कंट्रोल कर रहा है। नोआ रेक्स के हाथ पर लगे डिवाइस को नोटिस कर लेता है। रेक्स कहता है उस चालबाज कोच ने अभी अभी मुझे नाकाम करने की कोशिश की। इस साइड हाई स्कूल से माइकल और गैब्रियल की टीम का नाम होता है ई नोट्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन स्कूल से नोआ और रेक्स की टीम का नाम होता है सी नोट्स और ये दोनों ही टीम सभी मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने लगते है। आखिरकार ये दोनों टीम फाइनल में पहुँच जाते है। अंपायर डिक्लेयर करता है फाइनल बैटल इस साइड हाई ई नोट्स वर्सेस बेंजामिन फ्रैंकलिन सी नोट्स। कोच अपने दोनों बेटे गैब्रियल और माइकल को डांटते हुए कहता है ऐसे खेलोगे तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। तुम दोनों का इवो बन जाना टेबल टेनिस के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था जो मैंने देखा था, मैं उसे बर्बाद होता नहीं देख सकता। गैब्रियल कहता है हमें नॉर्मल चीजें करना ज्यादा अच्छा लगता है जैसे दोस्ती वगैरह करना। कोच कहता है बकवास, तुम्हें बस टेबल टेनिस खेलकर चैंपियन बनना है और कुछ मायने नहीं रखता। वो दोनों दुखी होकर कहते हैं हाँ डैड, हम वादा करते हैं हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कोच उन दोनों को गले लगाकर कहता है अब जाओ और चैंपियन बनकर दिखाओ। मैच के स्टार्टिंग में गैब्रियल और माइकल के गुस्से चेहरे को देखकर नोआ डर जाता है। शुरुआत में इस साइड हाई का स्कोर बेंजामिन फ्रैंकलिन से अच्छा होता है जिसकी वजह से नोआ और रेक्स परेशान हो जाते हैं। मैच के दौरान गैब्रियल के शॉट से रेक्स के रैकेट टूट जाता है। गैब्रियल हंसते हुए कहता है तुम्हारा रैकेट टूट गया क्या। माइकल कहता है उम्मीद है तुम दूसरा लाए होंगे। रेक्स कहता है वैसे सच कहूँ तो मैं लाया हूँ, ऊपर से एक बहुत बड़ा रैकेट नीचे आता है रेक्स के लिए। कोच अंपायर से कहता है हे ये रूल्स में नहीं है। नोआ कहता है मुझे लगता है कि रूल बुक हम थोड़ी देर पहले ही बाहर फेंक चुके हैं। अंपायर कहता है मुझे एतराज नहीं है शुरू करो। रेक्स अपने बड़े रैकेट से ई नोट्स को पछाड़ने लगता है। ऐसा होते होते पूरा फाइनल टाइम आ जाता है। सिचुएशन को देखकर कोच गैब्रियल और माइकल के नेनर्स को कंट्रोल करने लगता है अपने गैजेट की मदद से। वो दोनों इसके वजह से काफी हद तक बेकाबू हो जाते हैं। ये देखकर सभी डर जाते हैं। इसके बावजूद भी सी नोट्स उनके साथ बैटल करता है, अपना एक पॉइंट भी वो बना लेते हैं। ये देखकर कोच गुस्से में अपने बेटों को म्यूटेंट कर देता है जिसकी वजह से उनके और तो जोड़ी हाथ निकल आते हैं। सी नोट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है उनसे मुकाबला करने में। अंपायर भी कंफ्यूज हो जाता है ढेर सारी बॉल्स को देखकर। रेक्स बैटल करते हुए कहता है बस बहुत हुआ, तुम किसी को चोट पहुंचा दोगे। माइकल कहता है हाँ अच्छा आइडिया है, पहले तुम्हारी पारी। रेक्स उस बॉल को इतने जोर से मारता है कि वो छत को छेद करके बाहर चला जाता है। कोच उन दोनों से कहता है अब इसे खड़े मत रहो, शॉट के पीछे जाओ। उन दोनों का पीछा करते हुए रेक्स छत को तोड़कर ऊपर चला जाता है। नोआ कोच से कहता है तुम्हें ये खुद सीखने की जरूरत है कि बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। वही कैंपस वाला लड़का नोआ के पास आकर कहता है हे चैंप, तुम्हें ये मैच जीतना ही होगा। छत के ऊपर रेक्स उन दोनों से कहता है मुझे लगता है अब हम टेबल टेनिस नहीं खेल रहे हैं, है ना। गैब्रियल और माइकल के हमले से वो दोनों रेक्स के साथ बुकिनर के चैम्बर में गिरते हैं। बुकिनर कहता है कस धरती फट जाए और इनकी बकवास टेस्ट निकल जाए। तभी बुकिनर मैथमेटिक्स के फॉर्मूला से रेक्स को एक हिंट देते हैं। रेक्स कहता है समझ गया और वो उन दोनों को हवा में उड़ा देता है। रेक्स कहता है खुलकर कहा जाए तो पहले रुको फिर मारो, अच्छा आइडिया है मिस्टर बी। बुकिनर इसके बाद कहता है अगर मुझे टेबल टेनिस नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमकल हूँ। आसमान में भी उन तीनों का फाइट होती है तभी वो लास्ट शॉट आसमान से नीचे गिरता है और नेट पर अटक जाता है। सभी लोग हैरान थे कि कौन जीतेगा पर आसमान से वो तीनों नीचे गिरते हैं उस नेट के ऊपर। ये देखकर अंपायर कहता है मुझे नहीं पता कि कौन जीता। कोच अपने बेटों से कहता है मारो उसे, तुम इसे लड़ाई कहते हो। नोआ कहता है डूड तुम जरा चुप रहोगे। गैब्रियल और माइकल और भी ज्यादा खतरनाक बन चुके थे। वो कोच को पकड़कर कहते हैं तुम, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ। ये देखकर रेक्स कहता है बस करो और वो अपने नेनेट की मदद से उन्हें नॉर्मल कर देता है और कहता है काश मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक कर सकता पर मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, शायद तुम्हें पता नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो। वो कोच को कहता है लेकिन तुम क्या सोच रहे थे। कोच कहता है मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे बेटे के लिए जरूरी है, मतलब मेरे बेटों के लिए। नोआ पूछता है तुम्हें पता भी है वो क्या चाहते हैं। कोच रिप्लाई में कहता है क्या बकवास सवाल है, वो चैंपियन बनना चाहते हैं, है ना बॉयज। गैब्रियल कहता है असल में डैड मेरा मतलब कोच। माइकल कहता है हमें टेबल टेनिस से नफरत थी, पता है हमें क्या अच्छा लगता है, पियानो बजाना। कोच थोड़ा सरप्राइज होकर कहता है पियानो। गैब्रियल कहता है मजाक नहीं है डैड। कोच कहता है मजाक नहीं कर रहे हो।
पता है उसके भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। हम तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट टीचर लगाएंगे, तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतोगे और मेरा नाम रोशन करोगे। उनके जाने के बाद अंपायर आकर कहता है, तुमने जो भी तोड़फोड़ मचाई उसे देखने के बाद मेरे पास तुम्हें टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। प्रिंसिपल कहते हैं, मैं तुम्हें इसी वक्त इस स्कूल से निकालता हूँ और मैं तुम्हारे उस प्रिंसिपल हाहा से भी बात करने वाला हूँ। नोआ कहता है, ओ मैन, गोल्डन बैटल हमें नहीं मिला, मैंने तो ट्रॉफी केस में जगह भी खाली कर दी थी। रेक्स वापस आकर हॉलिडे से कहता है, मुझे बहुत मजा आया, मैं एक हफ्ते के लिए स्कूल में था और दूसरे बच्चों की तरह ही था, साथ ही पॉप क्विज में मुझे ए मिला। हॉलिडे कहती है, इससे मुझे याद आया कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दी थी। वो बुक्स को दिखाकर कहती है, मैंने तुम्हारी क्विज देखी थी, 98%, मुझे लगता है तुम और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। रेक्स बोर हो जाता है। आखिर में प्रिंसिपल का मीटिंग होती है प्रिंसिपल हाहा से। बुकिनर को उसका पोनी मिल जाता है, उन इवो ट्विंस का सपना सच हो जाता है और रेक्स की हमेशा की तरह बुरा हाल हो जाती है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।